किसान प्रदर्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर, कल भारत बंद ऐलान के बीच अलर्ट। नोएडा प्रशासन ने लागू की धारा 144। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। वहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। किसान प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पत्रिका टीवी पर कल भारत बंद ऐलान के बीच अलर्ट। नोएडा प्रशासन ने 144 धारा लागू कर दी है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। किसान प्रदर्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। अब कल भारत बंद ऐलान के बीच अलर्ट मोड पर है प्रशासन। नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट बैन रहेगा। किसान प्रदर्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर, पत्रिका टीवी पर कल भारत बंद ऐलान के बीच अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर, नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। किसान प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर कल भारत बंद ऐलान के बीच अलर्ट। नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया था। इसी के चलते अब कल भारत बंद के ऐलान के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, तो सीमेंट और कील की दीवारें भी खड़ी की गई हैं। इस बीच किसान यूनियन ने कहा कि हमें दुश्मन के तौर पर देखा गया है और सरवन सिंह पंडेर को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। आंदोलनकारियों पर हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसे लेकर भी किसानों ने विरोध जताया है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़े हुए हैं। एक और जवान तो दूसरी ओर किसान खड़े हुए हैं। किसान ड्रोन से बचने के लिए पतंग का सहारा ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो इसलिए पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि ड्रोन धागे में फंस जाएगा तो गिर जाएगा, इसीलिए पतंगबाजी की जा रही है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। आज किसानों के दिल्ली कूच का तीसरा दिन है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया था कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। इसी के चलते अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 17 फरवरी तक बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। नोएडा प्रशासन ने 144 धारा लागू कर दी है। हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट को बैन कर दिया गया है।